सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू एन अनदर गेम प्ले वीडियो। आज हम बाबा खेलने वाले हैं, लेदर फेस द कैनिबल। ओके, एंड फाइनली मैं बाबा में P2 कर चुका हूँ एंड प्रेस्टीज भी कर चुका हूँ, तो अभी सिर्फ एक ही पर्क से खेलेंगे। आज की जितनी भी गेम प्ले होगी एक ही पर्क से खेलेंगे, जो है बारबेक्यू एंड चिली। सो लेट्स बिगिन। तो देखते हैं यहाँ पे बंदे कहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पे तो कोई नहीं है। शायद वो कॉर्नर वाले जनरेटर्स पे होंगे, यहाँ पे भी नहीं है। यहाँ पे मेरे को दिख नहीं रहे, वैसे तो कॉर्नर वाले जनरेटर्स पे ही होंगे, मेरे को क्यों ना ऐसा लग रहा है। ओके, यहाँ पे कोई नहीं है, नाइस। यहाँ पे भी कोई नहीं है, शायद उस वाले कॉर्नर वाले पे होंगे, कॉर्नर वाले जनरेटर पे। ओके ओके, यहाँ पे काम चल रहा है, नाइस। ओके चलो, मैक थॉमस। चलो मैक को तो एक फ्री हिट मिल गया। चेंसो करना चाहिए था मुझे, लेकिन कोई नहीं, सीधा वो भागते हुए मेरे फेस पर आ रही थी। अच्छा एक मिनट, ये रुक गई थी, ये मुझे देख रही थी। कोई नहीं, ये वाले लूप तो सबसे बेकार लूप है। कभी भी सर्वाइवर्स होते वक्त ये वाले लूप कभी ट्राई मत करना, मोस्टली काम नहीं आता ये। तो यहाँ पे एक डाउन तो हो ही जाता है अपना। चलो इसे हुक करते हैं, एंड मुझे वहाँ पे कोई जनरेटर फोड़ने की आवाज़ तो आ रही है। चलते हैं, वहीं चलते हैं, सीधा वहीं रश करते हैं, क्योंकि अपने पास अभी पॉप भी नहीं है, कुछ नहीं है बारबेक्यू के अलावा। तो चलो वहीं चलते हैं, शायद मैं जब तक वहाँ पहुँचूँगा वो जनरेटर फिनिश हो चुका होगा, क्यों ना मुझे ऐसा लग रहा है। वहाँ डबल जनरेटर कर रहे हैं करके, या मैं सोचा ही था हो जाएगा करके, एंड हो भी गया। कोई नहीं, देखते हैं कितने सर्वाइवर्स हैं यहाँ पे। ओके, दो सर्वाइवर्स हैं, जेन एंड। अच्छा यार, मेरा गेम कितना लैग कर रहा था मेरा गेम। दो से ज़्यादा सर्वाइवर्स एक ही बारी में आ जाते हैं ना एक फ्रेम में, गेम पूरा क्रैश होने का मतलब लैग होने लगता है मेरा गेम पूरा। कोई नहीं, छोड़ो, वैसे अभी भी हल्का हल्का लैग तो कर ही रहा है, फर्स्ट गेम प्ले ये मेरा। मेरे पास वैसे बैम्बूजल तो है नहीं, तो मैं इस विंडो को ब्लॉक तो नहीं कर सकता। ओके, पायलट ड्रॉप करेंगे। चलो हिट लग गया, फ्री हिट लग गया, एंड ये शायद 20 FPS से भी कम है। 20 FPS से भी मेरे को क्यों ना कम लग रहा है ये गेम प्ले फिलहाल तो। चलो ये बस वाले लूप तो इसने छोड़ दिया फेंगमैन ने। कोई नहीं, मैं यहाँ पे लेट हो गया, मैं यहाँ पे थोड़ा सा लेट हो गया, थोड़ा सा और माइंड गेम करता तो शायद किल मिल जाता, लेकिन कोई नहीं, छोड़ो। शायद अब वॉल्ट करेगी। ओके, अब इस बार रुक गई, मैं थोड़ा अर्ली चला गया था, मैं थोड़ा अर्ली बता दिया था उसे कि मैं रिवर्स करने वाला हूँ करके। कोई नहीं, चलो यहाँ पे डाउन हो ही गई फाइनली। वैसे मेरा गेम वैसे ही लैग कर रहा है, तो फ़ायदा नहीं है चेंसॉ करने का। मैं चेंसॉ करूँगा कहीं ना कहीं टकरा जाऊँगा एंड मेरा गेम भी पूरा चले जाएगा, इसलिए मैं चेंसॉ नहीं कर रहा हूँ, जाने दो। एंड बाजू में ही बेसमेंट है, एंड बाबा के लिए बेसमेंट से आगे क्या ही हो सकता है, बाबा के लिए बेसमेंट ही सब कुछ है। तो चलो बेसमेंट हुक करते हैं, एंड यहाँ पे एक और जनरेटर भी फिनिश कर दिया गया इतने में। ओके, मुझे थोड़ा सा एरो मार्क्स दिखाई दे रहे हैं ऊपर में, तो इसके फ्रेंड्स आए हुए हैं इसको बचाने। ओके, स्क्रैच मार्क्स, चलो सही है, देखते हैं ये कहाँ जाके ख़त्म होते हैं स्क्रैच मार्क्स। ओके, ये रही निया, हेलो निया। ओके, मिस कर गया मैं निया पे, शायद ये यहीं पर होंगे, इनके सारे बाकी के टीममेट्स भी यहीं पर होंगे, मेरे को क्यों ऐसा लग रहा है। एंड मेरा गेम भी पूरा अच्छे खासे से लैग हो रहा है, बहुत ही अच्छी खासी से लैग हो रहा है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ओके, यहाँ कोई नहीं है, किलर शैक में इसके टीममेट्स तो कोई भी नहीं है। चलो यहाँ फिर से मैग मिली मेरे को, नाइस। पता नहीं मैग कैसा ही है, डायरेक्ट किलर शैक जा रही है इस बार तो। ओके, डायरेक्ट सेफ करने जा रही है मैग, कुछ ज़्यादा ही प्रो हो रही है मैग। कोई नहीं, देखते हैं ऊपर। ओके निया, हेलो निया, 300 करने का सही मौका है। दोनों निपट गए, तीनों निपट गए, नाइस। 3 किल बेसमेंट में, 3 किल। ओके, और फोर्थ सर्वाइवर अभी भी जनरेटर पे लगा हुआ है। चलो फोर्थ सर्वाइवर पे ही चलते हैं, क्योंकि मुझे इनके आउटफिट्स और इनकी बिहेवियर देखने के बाद तो इजीली पता चल गया है कि इनमें से किसी के पास अनब्रेकेबल नहीं होगा। तो चलते हैं निया फोर्थ सर्वाइवर पे ही। ओके, चारों किलर शैक के पास ही डाउन हो गए। ये मेरा फर्स्ट मैच था, एंड फर्स्ट मैच में चारों के चारों हो गए किलर शैक पे ही डाउन। कोई नहीं, वन बाय वन हुक करते हैं। ओके, तीनों अंदर चले गए, नाइस। तीनों किलर शैक के अंदर में चले गए। ये बाबा का बेस्ट, मतलब ये बाबा का फेवरेट हाउस है ये बेसमेंट किलर शैक। चलो इसको यहाँ हुक करते हैं, एंड अभी और 4% के लिए वेट करते हैं। रुको, कोई नहीं, जाने देते, कोई नहीं जाने देते, 4% नहीं कमाते, एक और चांस दे देते हैं, देखते हैं इनमें से किसी को हो पाएगा कि नहीं, लक है या कि नहीं।
ओके अच्छा इसका मैक का फाइनल लुक था, कोई नहीं चलो मैक थॉमस का फाइनल लुक था, कोई नहीं चारों किल्स एक ही बारी में जा रहे हैं कंटिन्यूसली। आज बेसमेंट पार्टी हो गई बाबा की, तो बाबा की फर्स्ट मैच बेसमेंट पार्टी हो गई। जी जी अब मैं क्या ही कर सकता हूँ। एंड आज इन्होंने अच्छा खासा जनरेटर्स भी किया था, तीन जनरेटर्स तो शुरू में इन्होंने कर दिया अच्छा खासे से, शुरू के तीन से चार मिनट के अंदर ही, तो ये भी सही है। चलो कोई नहीं देखते हैं इनके आई की प्रोफाइल्स, देखते हैं क्या क्या था इनके पास, पर्क्स देखते हैं। ओके इन ये तो यार कोई नहीं, ठीक ठाक प्लेयर्स ही थे, इतना ख़राब भी नहीं थे। इनमें से किसी के पास अनब्रेकेबल नहीं था एज मैंने प्रिडिक्ट किया था। छोड़ो जाने दो, एक और मैच खेलते हैं। ओके तो ये हम वापस आ चुके हैं थॉमसन हाउस पे, कोल्विन फार्म। ओके लेट्स सी, यहाँ पे जनरेटर्स बहुत दूर दूर में है सारे, नज़दीकी में तो कोई भी स्पॉन नहीं होता किलर के बगल में, तो जाके दूर वाले जनरेटर्स पे। ओके किसी के पास ये भी है, ऑब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट नाइस। इनने ऑब्जेक्ट क्यों लाया, कोई नहीं ऊपर से शायद विंडो वॉल्ट करेगी, विंडो वॉल्ट करेगी। ओके कर दिया नाइस। सबसे बेकार ट्रिक है कभी भी विंडो वॉल्ट मत करना ऐसे लूप्स पे, क्योंकि जब तुम नीचे मतलब गिरते हो ना तो तुम्हारा स्पीड इंस्टेंट कम हो जाता है। या फिर से विंडो वॉल्ट करेगी, ओके लॉकर के अंदर चलेगी। ओके विंडो वॉल्ट करने की जगह लॉकर के अंदर, ओके अब विंडो वॉल्ट कर दिया। अब फिर भी फ़ायदा नहीं है, मैं भले ही लेट हो गया तब भी मैंने इसको डाउन कर दिया। सबसे बेकार लूप है, कभी भी आप विंडो वॉल्ट करो तो पहले पीछे देख के विंडो वॉल्ट करना कि किलर रिवर्स कर रहा है या सीधा सीधा जा रहा है। एंड मेरे पीछे वैसे एक और सर्वाइवर लगा पड़ा है, कोई नहीं मैं उसे देखूंगा नहीं, इग्नोर मारूंगा। सबसे पहले तो बेसमेंट हुक करेंगे, क्योंकि ये बेसमेंट के बगल ही डाउन हुई थी, तो बब्बा के लिए इससे बढ़िया क्या ही हो सकता है गोल्डविन फार्म में, बेसमेंट ही बेसमेंट। चलो स्क्रैच मार्क्स यहाँ पे एंड हो गए नाइस, यहाँ से और दिख नहीं रहे, शायद इसके अंदर होगा। ओके ये रहा जेक, हेलो जेक, तुम्हें मैंने सस्ते में पकड़ लिया, मैंने यही प्रिडिक्ट किया था एंड हो गया। एंड एक और स्क्रैच एक और मार्क्स दिख रहे हैं मेरे को, दो मार्क्स मतलब दोनों सर्वाइवर्स, आखिरी के दोनों सर्वाइवर्स भी यहीं पर है, देखते हैं कहाँ गए। लेट्स सी ऊपर ऊपर ही होंगे, नहीं नीचे होंगे शायद, नीचे हाँ नीचे ही थी। मैग, एक और मैग आया नाइस नाइस नाइस, एक और मैग आई। ओके मैग ये लूप ही छोड़ रही है। एंड एक और सर्वाइवर थी आसपास में, हाँ ये रही, एरो मार्क्स तो मेरे को शो कर रहा है। ओके क्लोडेट थी नाइस, क्लोडेट चलो क्लोडेट पे ही चलते हैं अब। वैसे भी मुझे क्यों ना लग रहा है कि ओमेगा अभी आएगी नहीं, हील कर ही आएगी सेव करने। क्लोडेट पता नहीं कहाँ गायब हो गई क्लोडेट। ओके यहाँ जनरेटर पे काम हो रखा था नाइस। ओके क्लोडेट का भी यहीं पर है स्क्रैच मार्क, पहले डैमेज करते जनरेटर को। एंड चलो चलते हैं अब क्लोडेट के पीछे चलते। अरे एक मिनट रुको, ये मैग ने फुल्ली हील कर लिया है, शायद सेव करने आएगी शायद। एंड मेरा गेम भी क्या ही लैग कर रहा है, क्या ही लैग कर रहा है, डे बाय डे डेड बाय डे लाइट बहुत ही बढ़िया हो जा रहा है। कोई नहीं होता है ऐसे, कभी कभार होता है मेरे गेम प्ले में, चलते हैं। ओके एक मिनट रुको, मैं यहाँ पे थोड़ा स्टेबल कर लेता हूँ अपने आपकी अपनी नेटवर्क को। ओके मेरा नेटवर्क तो परफेक्ट है, फिर भी मेरा गेम लैग कर रहा है, कोई नहीं। ओके एक सर्वाइवर किल्ड हो चुकी है एंड दूसरे बंदे ने भी सेल्फ किल कर लिया नाइस। मेरे पहले के दो मैच में ऐसे ही जा रहा है, बेसमेंट किल नाइस, ओनली बारबेक्यू, वी गोना यूज ओनली बारबेक्यू। ओके पीछे से आ गया नोटिफिकेशन, चलते हैं फिर किलर शैक पे। एंड अपने पास तो वैसे भी बैम्बूजल नहीं है, तो मैं अच्छा खासा लूप भी हो जाऊँगा। ओके क्लोडेट यहाँ बाहर है, क्लोडेट है शायद ये, अच्छा ये मैक थी, चलो कोई नहीं मैक के पीछे चलते हैं। ओके मैग को लूप करवाना शायद नहीं आता है, मैग ये जगह छोड़ के जा रही है, सबसे बढ़िया जगह होता है वो लूप करने के लिए, लेकिन छोड़ो कोई नहीं। ओके वॉल्ट कर लिया यहाँ पे, शायद उसको जंगल जिप लूप करवाना आता है इसीलिए विंडो पायलट ड्रॉप करेगी नाइस। मैं सोच रहा था कि वहाँ विंडो होगा लेकिन था नहीं, कोई नहीं चलते हैं वापस एक बार देख कर आते हैं कि क्लोडेट है कि नहीं वहाँ पे। या फिर एक काम करता हूँ, मेरे पास वैसे भी बारबेक्यू एंड चिली है, तो मैं हुक करता हूँ, शायद उसकी लोकेशन मुझे दिख जाए, तो मैं लोकेशन के पीछे फॉलो कर लूँगा। ओके देखते हैं कहाँ पर है क्लोडेट, पीछे में तो नहीं थी किलर शैक के पास, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी आसपास में कहीं नहीं है,
कोई नहीं, चलते हैं। मेरे क्यों ना किलर शैक के लॉकर्स पे होम करके लग तो रहा है, लेकिन एक बार मैं किलर शैक को एक बार चेक करके आ जाता हूँ। ओके, जनरेटर पे काम हो रखा है, नाइस, कोई स्क्रैच मार्क्स नहीं है। एक काम करते हैं, पहले लॉकर्स देखते हैं। ओके, लॉकर्स में नहीं है, शायद किलर शैक में नहीं है, वो कहीं और ही है। मेरे नज़दीकी थी, जहाँ मैंने हुक किया उसी की नज़दीक में ही थी प्रोडक्ट, ऐसा लग रहा है मुझे, लेकिन पता नहीं। देख लेता हूँ एक बार यहाँ पर भी। ओके, यहाँ पे भी कहीं नहीं दिख रही मुझे, कोई नहीं, एक बार देख लेते। फील्ड पे भी देख लेते, कॉर्न फील्ड पे। एंड एक मैं तो भूल गया इस जनरेटर को डैमेज करना, मैं डैमेज कर देता हूँ। चलो, डैमेज हो गया, अब चलते हैं वापस। मैं एक काम करता हूँ, हुक से थोड़ा दूर हो जाता हूँ, स्ट्रगल कर ही रही है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ढूंढते ढूंढते थोड़ा दूर आ जाता हूँ, ताकि वो सेव करने जाए और उसको स्क्रैच मार्क्स मुझे मिल जाए। ओके, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे तो आस। ओके, सेव कर दिया है फाइनली। चलो अब देखते हैं क्लोडेट कहाँ है। वैसे भी मैक तो अभी इंजर्ड है, तो मैं मैक के पीछे नहीं जाऊँगा, मुझे क्लोडेट की किल चाहिए। ओके, स्क्रैच मार्क्स नहीं है यहाँ पे, यहीं पर होगी लॉकर में, मेरे को क्यों ना लग रहा है। यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है, चलो लॉकर ही देख लेते हैं अपन। हेलो क्लोडेट, हाउ डू यू डू। चलो हुक करते हैं इसे क्लोडेट को, देखते हैं बारबेक्यू से दिखती कि नहीं मैक। ओके, मैक वापस किलर शैक वाले पे नहीं गई, कहीं नहीं गई, कहीं नहीं दिख रही मुझे, पता नहीं अब मैक भी कहाँ चली गई। यहाँ किलर शैक पे तो नहीं आई है, दूसरे जनरेटर्स पे भी देख लेता हूँ। ओके, क्लोडेट सेल्फ किल कर रही है शायद, क्लोडेट सेल्फ किल कर रही है। एंड अच्छा, जनरेटर कर रही थी, नाइस, मिल गया लोकेशन, मिल गया फाइनली, लोकेशन मिल ही गया, लोकेशन मिल गया। ओके, स्क्रैच मार्क्स वहाँ जा रहे हैं। ओके, क्लोडेट नहीं, मैक थी शायद, हाँ मैक, सॉरी, मैं क्लोडेट और मैक के बीच में कंफ्यूज हो रहा हूँ। अच्छा, ये रहा मैक का, आ गया एरो मार्क्स आ गए। मैक के पास आयरन व्हील भी नहीं है, एंड मैक यहाँ पे गलती कर बैठी जनरेटर करके। ओके, पीछे से मेरे को हैच का आवाज़ सुनाई दे रहा है, मैं हैच क्लोज कर देता हूँ, शायद इसके पास एडिड्रिलिन होगा, इस मैक के पास। ओके, लकीली नहीं था, लकीली मैक के पास एडिड्रिलिन नहीं था, इसे जनरेटर नहीं करना चाहिए था मैक को। लो, अब 360 कर रही थी, कोई नहीं, करने दे दिया मैंने, कोई नहीं, 360 कर लो, पूरे मैच में वैसे भी यही टाइम है 360 करने का, सही है। चलो इसे भी हुक कर दे, एंड जी जी गाइस, बहुत ही छोटे मैप, मतलब बहुत ही कम टाइम पे फिनिश हो गया पूरा गेम, लाइक हार्डली मुझे एक मैच 5 मिनट्स का लगा होगा, इजी था ये गेम प्ले भी। एंड शुरू का ओनली एक ही पर्क मैं यूज़ कर रहा था, बारबेक्यू एंड चिली। सो गाइस, अगर ये गेम प्ले आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक छोड़ देना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल दी एंड, सी यू इन द नेक्स्ट मैच, बाय।